मिल गया। दरअसल ये 1645 का सिक्का मुझे मिला है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पुराना है, अगर आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा नहीं है लेकिन मैं फिर भी क्लोज करके दिखा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे फ्यूल अप मुझे करना था मेरी बाइक को, एंड फ्यूल अप हो चुका है एंड मुझे जाना है आज वसई वेस्ट। एंड वो कौन सा एक बीच है, मैं आज भी बीच पे ही जा रहा हूँ बट मुझे नहीं पता कौन सा बीच है वो, तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। आज संडे है तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो यस, आई एम गोइंग वसई वेस्ट। तो पहले मैं जाऊँगा पीएच के घर पे, एंड फिर विकी वहाँ पे आने वाला है। विकी जैसे ही आएगा फिर हम लोग निकल लेंगे, मतलब 4:30 बजे के करीब वसई वेस्ट के लिए। खतरनाक वाला पूरा ब्लैक ब्लैक है, आप लोग को दिख रहा होगा। मैं स्पीड थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि GoPro में वॉइस प्रॉपर आ सके। अब देखोगे सामने कितना ज़बरदस्त दिख रहा है नज़ारा, एक नंबर है। पूरा माउंटेन ब्लैक में दिख रहा है, ऊपर ब्लैक बादल है और बीच में आप देखोगे तो वाइट वाइट शेड, पूजा जी भी दिख रहा है, खतरनाक एकदम। मतलब हॉरर फिल्म में जैसा होता ना वैसा ही दिखाई दे रहा है भाई, बिलीव मी खतरनाक दिख रहा है। मैंने न जाने बहुत सारे ट्रैकिंग किए होंगे बट ऐसा ऐसा व्यू मुझे आज तक देखने नहीं मिला था। ऐसे व्यू होते थे बट मोस्टली फॉग होता था, क्लाउड से वो ढका होता था, बट ऐसा व्यू बहुत कम मैंने नहीं देखा है भाई, आज तक ऐसा व्यू नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसा। ये देखो पूरा ये गीला हो चुका है एंड ड्रिजलिंग हुई है, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश होगी जाने के पहले, अभी नहीं हो रही, कुछ देर पहले तक बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। चलो लेट्स गो, विकी भी आ चुका है एंड प्रियेश ने बनाया था पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े भी खाए हम लोगों ने। तो ये रहा प्रियेश एंड विकी कहाँ है। तो ये हम लोग पहुँच रहे हैं अभी वसई स्टेशन एंड विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है आज, तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मेरे GoPro में माइक है नहीं, एक्सटर्नल माइक है नहीं, तो GoPro के माइक से ही विंड मोड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वॉइस, तो होपफुली वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी। समुंदर के पास आ चुके हैं, वो ट्रीज दिख रहा है आपको, आई थिंक वहीं पर जाना है हम लोग को कहीं पर, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने हैं, मुझे लगता है 3 या 4 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग, रास्ते तो काफ़ी अच्छे हैं।
तो हम लोग को ढूंढ के बाइक पार्क करनी पड़ेगी कहीं पे अच्छी जगह। हाँ उसके बाद चलते हैं कहीं पे, लेट्स गो समवेयर ओवर देयर एंड फर्स्ट विल पार्क द बाइक। ओ यार यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है, लगा नहीं था कि यहाँ पे इतना क्राउड मिलेगा। तो वी हैव रीच्ड सुरुचि बीच। पहुँच गए सुरुचि बीच पे एंड आप देख सकते हो कौन से रास्ते जा रहे हैं हम लोग। तो पहले ये क्रॉस करता हूँ मैं, बेसिकली हम लोग पहुँच गए हैं कौन सा बीच, सुरुचि बीच। तो हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही वेस्ट में है, हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था सुरुचि बीच के बारे में वैसा नहीं है एज पर द एक्सपेक्टेशन। जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ वहाँ से हम लोग आए हैं, एक छोटा सा पैच है पानी का तो क्रॉस करके हम लोग को आना पड़ा। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, जगह खूबसूरत है, बट जो होता है ना एक्सपेक्टेड कि जो ज़मीन ऐसी होती है सीधा फ्लैट होती है मस्त, वैसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ज़मीन कैसी है, ऐसे पूरा डेप्थ जैसा है। दरअसल ये 1645 का सिक्का मुझे मिला है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी पुराना है, अगर आप देख सकते हैं आपको दिखेगा नहीं है लेकिन मैं फिर भी क्लोज करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इसी से हमारे हाथ लगा है खजाना, खजानों को बेच के हम यहाँ पे एक खजाना तो ऐसा लगेगा जो आप देख सकते हैं जरूर आए और बीच में आके पैसे ढूंढे, खजाने दबे हुए मिलेंगे यहाँ पे। और अब वो आइलैंड जो दिख रहा है ना वो आइलैंड खरीदने वाले हम लोग, वहाँ पर एक दिव्य रोशनी पड़ती है काफी अच्छी, वहाँ जाएंगे तो आपको मोक्ष का द्वार मिलेगा सीधा ऊपर। ऐसा क्यों लग रहा है कि वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे हुआ है, लग नहीं रहा क्योंकि ये कवर था, वाटर लेवल तो बढ़ता है ना जब इवनिंग में, दिव्य ज्योति है यहाँ पर इसलिए। अब निकलते हम लोग, आज का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी जगह है, आप भी आओ बट रूल्स को फॉलो करो। यहाँ पे करते इस ब्लॉग को एंड, होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो तो, और शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी देखें सब्सक्राइब करें।